आज की डेवलपिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइंटिस्ट नई नई चीजें खोज रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसी एक नई खोज UGC 2885 के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। सो लास्ट तक देखना, लेट्स स्टार्ट। UGC 2885 अभी तक की सबसे बड़ी बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी का मतलब है गैलेक्सी जिसका शेप स्पाइरल जैसा है, वो स्पाइरल गैलेक्सी है, जैसे कि हमारा मिल्की वे। और वो स्पाइरल गैलेक्सी जिसके सेंटर में स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स, मतलब कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो बार फॉर्म करते हैं, उसे बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। UGC 2885 धरती से 232 लाइट ईयर दूर पर्सियस कॉन्स्टिलेशन में है। इसका मतलब लाइट को 232 साल लगते हैं UGC 2885 से धरती पर आने में। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कितना दूर होगा UGC 2885। इसका मेजर एक्सिस 463,000 है, जो कि इसे सबसे बड़ा स्पाइरल गैलेक्सी बनाता है। और इसका वजन 2 ट्रिलियन है। और ये लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी, या सिंपली कह सकते हैं LSB गैलेक्सी में भी गिना जाता है। UGC 2885 कुछ चुनिंदा फील्ड गैलेक्सीज में से एक है। फील्ड गैलेक्सी गैलेक्सी की एक क्लास होती है जो कि बहुत दूर, अंडर डेंस, मतलब कि जहाँ लो डेंसिटी है, खाली स्पेस में दूसरे गैलेक्सी से परे होती है, उससे फील्ड गैलेक्सी कहा जाता है। नासा ने कुछ समय पहले रिपोर्ट दिया था कि UGC 2885 की डिस्क ग्रोथ का कारण इंटरगैलेक्टिक हाइड्रोजन गैस है, ना कि गैलेक्टिक कोलिजन, जैसा कि बड़ी गैलेक्सीज में पाया जाता है। इंटरगैलेक्टिक कोलिजन का मतलब है कि बड़ी गैलेक्सी आसपास की छोटी गैलेक्सीज को अपने में शामिल कर लेती है, उसे इंटरगैलेक्टिक कोलिजन कहा जाता है। शुरुआत में UGC 2885 को अनबैरिड स्पाइरल गैलेक्सी में गिना जाता था, पर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ नई हबल टेलीस्कोप से जब देखा गया तो एक बार लाइक स्ट्रक्चर इसके डिस्क को कट करता है, तब से इसे बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी की कैटेगरी में गिना जाने लगा। UGC 2885 मिल्की वे से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसमें मिल्की वे से 10 गुना ज़्यादा तारे हैं। इसे रूबिन्स गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने UGC 2885 की डिस्क की रोटेशन स्पीड पता करी थी, वेरा रूबिन्स। वैसे तो डार्क मैटर की खोज कर रहे थे, पर उन्होंने डार्क मैटर की खोज में कुछ और ही खोज दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, पर 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज, इनोवेशंस एंड रिसर्चेस को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।